आज मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फैशन ब्रांड के लिए एक प्रॉफिटेबल रेंज प्लान कैसे बनाएंगे। तो मेरे एक क्लाइंट है जिनका विमेंस वेयर ड्रेसेस का ब्रांड है, तो उन्होंने कहा कि बिजनेस अच्छा चल रहा है पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मैंने उनका जब रेंज प्लान देखा, तब वो देख के मैंने उनको बोला कि देखिए आपके रेंज प्लान के अंदर बहुत अच्छे ड्रेसेस डिजाइंड है, मगर एक प्रॉफिटेबल रेंज प्लान के अंदर हर एक पीस का अलग पर्पस होता है। कहा आपके रेंज प्लान में आपको कुछ चीजें मिक्स करनी पड़ेगी, जैसे कुछ लॉस लीडर्स लेके आइए, ऐसे स्टाइल्स जो शायद बहुत सारे लोग खरीदेंगे नहीं मगर वो अट्रैक्ट होंगे। तो इसके अंदर चाहे वो फैब्रिक ऐसा हो, चाहे उसका कट ऐसा हो या कलर ऐसा हो जिसकी वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। कई बार यही स्टाइल्स इमेज एनहांसर भी माने जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रांड की जो इमेज है वो बूस्ट होती है। फिर आप कुछ प्रॉफिट जनरेटर्स लेके आइए इस रेंज के अंदर, जैसे कि कोई एक्सेसरी, कोई कॉस्मेटिक या कोई ऐसा स्टाइल जो कि उस टाइम पर लोगों को चाहिए, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होगा। तीसरा है, हमेशा अपने रेंज प्लान के अंदर सीजन स्पेसिफिक कलेक्शंस भी डालिए, और अगर आपके ब्रांड में कोई सिग्नेचर आइटम है तो आप प्लीज उसको रिपीट कीजिए ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि उसकी वजह से आपके ब्रांड की इमेज लोगों के दिमाग में छप जाएगी, जैसे बर्बरी का ट्रेंच कोट है। तो अगर आप ये सारी चीजें अपने रेंज प्लान के अंदर डालेंगे तो आपका रेंज प्लान प्रॉफिटेबल हो जाएगा।